मॉर्निंग डियक्शन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अमृता कुमारी और मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करती हूँ। आज और मैं यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। पहले अपना मैं अपना मोबाइल नंबर दे देती हूँ यहाँ पर। बोलते 91-17-66-96-56 ये मेरा नंबर हुआ। आज जो मैं बताती हूँ, और चाय तो हर घर का उपयोग है, और चाय का ऐसा नतीजा है, अगर न टाइम पर अगर चाय नहीं पीजिएगा तो आपका माथा दर्द सबसे पहले स्टार्ट होगा, क्योंकि माथा दर्द होगा वो गैस बनेगा, इसके बाद ही माथा दर्द होगा, टांग टटनी, बहुत सारा समस्या आता है गैस बनने से। लेकिन ये ऋषि गैनो टी है, बहुत अच्छा चाय है, जो हम लोग का हर एक बच्चा बूढ़े जवान सब पी सकते हैं। एक कढ़ाही लेंगे और इस कढ़ाही में 1 लीटर पानी गर्म करके हम इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती दे करके हम अगर 10 मिनट ढक देते हैं तो ये पूरा लाल, देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से लाल पानी हो जाता है। जितना मन हो उतना दिन भर हम चाय पीते रहें तो पीते रहना चाहिए। यही है चाय, ये बहुत नॉर्मल चाय है, बहुत फायदादायक चाय है कि हम लोग के लिए ये अमृत है। अगर जो समझ गए और यूज कर रहे हैं उसके लिए बहुत अमृत चाय है। इसीलिए हम बताए हैं दूध वाला चाय आप लोग मत पीजिए। दूध वाला चाय पीते हैं उसमें चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, अदरक, और अपना स्वाद अनुसार जितना मन होता है उतना हम डालते हैं। लेकिन चीनी को इसमें इतना केमिकल है चीनी के अंदर, लेकिन हम लोग नहीं, जब ये जाता है नस के अंदर वो चिपक चिपचिपाहट होता है, नस के अंदर कहीं अटक जाता है, इसी से हम लोग का ब्लड कैंसर होता है, बीपी लो होता है, बीपी हाई होता है। लेकिन चीनी बहुत खतरनाक चीज़ है, हम लोग को चीनी से बच कर रहना चाहिए। कि एक हम वीडियो देखे तो चीनी में जो है, चीनी का जहाँ पर उत्पादन होता है उसका जो कचरा उचरा रहा तो एक खेत में जा कर के दे दिया अचानक, मतलब उतना नहीं जाना, लेकिन उस खेत का उपजा साल भर में कुछ नहीं उपजा, बंजर हो गया। इसीलिए जब जमीन बंजर हो गया हम लोग का शरीर क्या है, तो शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर भी वैसे ही होगा। इसीलिए उस चाय, दूध वाला चाय को छोड़ करके ये चाय पीजिए, बहुत अच्छा नॉर्मल चाय है। इससे न गैस बनेगा, न डायबिटीज, न ब्लड कैंसर, न कुछ, न समस्या में जेबे नहीं करेंगे हम लोग बीमारी, सारा चीज़ लिकोरिया और मतलब मेंस के गड़बड़ी में होता है उसमें ब्लड बनाने में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत फायदादायक चाय है। हम लोग यूज करते हैं, अगर मेंस के समय बहुत आदमी का बहुत जोरों से दर्द करना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग टैबलेट लेकर के, लेकिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये कचरा जो जमा हुआ रहता है ना उसी के बदौलत शरीर में दर्द होता है। लेकिन इस चाय को जब पीजिएगा ना तो अपने आप जो है ना कब क्या होगा वो समझ भी नहीं पाइएगा। इस चाय का अंदर बहुत खासियत छुपा हुआ है, बहुत अच्छा नॉर्मल चाय है, इसको चाय को पीजिए। और ये है